हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जब भी एक नया स्टूडेंट नई कॉलेज नई यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे कि वहाँ पर खाना कैसा मिलता है, हॉस्टल कैसा है, प्लेसमेंट है कि नहीं, मेडिकल सुविधा है कि नहीं। वो सारी बातें उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ही बता सकता है। तो इसी पॉइंट को लेकर अपन एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक अपन ने 8-9 यूनिवर्सिटियों को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक दिया है, आप जाइए और उन वीडियो को भी देखिए। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो इस वीडियो का पूरा श्रेय राहुल भैया को जाता है, जो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी दी है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं सीधा राहुल भैया से। तो सर, आपकी सेमेस्टर फीस क्या थी? अरे, एक सेमेस्टर में 10,000 जमा होती है। अच्छा, 10 हो जाती है, कभी 9 हो जाती है, बाकी ये तो होती है 10,000। अच्छा, 10,000 फीस है सेमेस्टर फीस। उसमें हॉस्टल भी आ जाता है। अच्छा, तो हॉस्टल, सर हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल बढ़िया है यार। हॉस्टल मतलब ऐसे 3 फ्लोर है हॉस्टल में, एक रूम में 3 जने रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में सिंगल है, उसमें फाइनल एयर में भेजते हैं। अच्छा अच्छा, तो खाना कैसा मिलता है सर हॉस्टल में? खाना बढ़िया मिलता है, मतलब सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह। अच्छा। और दोपहर में नॉर्मल मिलता है वो खाना, मतलब भोजन जो अपन को घर पे मिलता है वो। अच्छा, बढ़िया मिल जाता है खाना? हाँ, बढ़िया मिल जाता है। अच्छा, तो सर आपके हॉस्टल में वेज और नॉन वेज का क्या क्रेज रहता है? दोनों एक ही मैच में है, मतलब जैसे हफ्ते में 2 बार नॉन वेज चलती है, जब जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए पनीर बन जाता है उसी मैच में। अच्छा, उनकी टेबल अलग कर दी जाती है। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया सर। तो सर आपके हॉस्टल में वाईफाई की सुविधा तो होगी? वाईफाई की पूरी यूनिवर्सिटी में सुविधा है, कहीं भी चल जाओ वाईफाई मिल जाएगा। नहीं नहीं सर, पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं है। नहीं मतलब हमारे इस यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, हाँ आपकी यूनिवर्सिटी में। बढ़िया बढ़िया सर, मतलब हॉस्टल में तो है ये सुविधा, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में है एक ही वाईफाई, मतलब कनेक्ट हो जाता है वो कहीं भी। अच्छा अच्छा, तो सर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई सब कैंपस भी आता है या मेन कैंपस ही है? हाँ, 2 सब कैंपस हैं, एक तो कोल है, एक बाहुल है, मतलब हिसार में नहीं, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो वो ICR से वहाँ पे बंद जाते हैं? ICR से वहाँ इस बार ही भेजे, बाकी इसके पहले नहीं भेजे कभी, इस बार से भेजने लगी, 4 बच्चे भेजे अभी 22 में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर ओके सर। तो सर सीट है ICR। तो कॉलेज टाइमिंग क्या रहता है सर आपका? कॉलेज है 9 से 4:30। अच्छा, 9 से 4:30, तो ये पूरे बीच। हाँ, बीच में लंच होता है, एक बजे से 40, मतलब 40 मिनट का होता है, 1:40 तक। अच्छा अच्छा, तो ये आपके पूरे 5 दिन चलता है, पूरे 6 दिन चलता है? शनिवार की छुट्टी रहती है, क्लास लगती है? 5 दिन ही चलता है, शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, लेकिन थर्ड ईयर में जब आते हैं तो PCB क्लास लगती है शनिवार को, हफ्ते में मतलब 2 हफ्ते में एक बार लगती है। अच्छा अच्छा, तो सर आपके वहाँ रैगिंग का क्या सीन है, सीनियर जूनियर का? रैगिंग का यार, हम आए थे तब तो मतलब नॉर्मल मीटिंग होती थी, बाकी अब तो वो भी बंद होगी, वो भी नहीं होती। अच्छा, बढ़िया सर। सर पढ़ाई का माहौल तो आपके जबरदस्त होगा? हाँ, पढ़ाई का तो वो जैसे मैंने कोचिंग में देखा ना रॉयल में, मतलब प्रॉपर क्लासें लगती है यहाँ भी, वही सेम ही। अच्छा, सेम लगती है, ओके सर। और एक भी क्लास नहीं छूट दे, अगर मान लो जैसे एक टीचर नहीं आया तो उसकी जगह दूसरे टीचर को भेज दिया जाता है उसी सब्जेक्ट के। अच्छा अच्छा, तो कई कई टीचर उपलब्ध है आपके एक एक सब्जेक्ट के वहाँ पे? यहाँ टीचर को मतलब एक डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, 5-6 टीचर मिल जाएंगे। अच्छा, एक सब्जेक्ट के। ओके सर, तो हिंदी मीडियम वाला कोई बंदा जाए तो उसके लिए कितनी परेशानी आती है सर वहाँ पे? हिंदी मीडियम, बाकी में भी हिंदी मीडियम से प्रॉब्लम तो आती है यार, फेस करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ओके सर। अब टीचर तो क्या है, जैसे कोई टीचर तो आते हैं पूछते हैं भाई मतलब लैंग्वेज कौन सी समझ में आएगी, तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। हाँ। कोई टीचर होते हैं जैसे साउथ की तरफ के भी, इधर 2-4 टीचर, तो वो इंग्लिश ही बोलते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, लिखना तो इंग्लिश में पढ़ता है एग्जाम। अच्छा अच्छा, और सर अटेंडेंस का क्या रोल रहता है, कितनी परसेंट कंपलसरी है? 75% कंपलसरी है। अच्छा अच्छा, तो सर ड्रेस कोड? ड्रेस कोड नहीं, अपने हिसाब से देंगे जाओ। अच्छा, ये बढ़िया है सर। और ICR की स्कॉलरशिप का क्या रोल रहता है सर आपके वहाँ? कई कई यूनिवर्सिटियों में रुक जाती है बैक आने पर, आपके वहाँ क्या होता है? यहाँ भी रुकती है, मतलब अगर बैक आ गई ना किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, हाँ, तो 4 साल की स्कॉलरशिप रुकती है। ओ भाई। बाकी वही SC ST के लिए 6.5 की GP है और जनरल के लिए 7 की। हाँ, 7.5 जो फर्स्ट सेम की, तो मतलब सबको मिलती है। हाँ,
स्कॉलरशिप, उसके बाद अगर किसी की रिया आ गई तो उसकी तो 4 साल की बंदे, और जिसकी मेंटेन रही हुई तो 4 साल मिलती, मतलब हर साल मिल जाती। अच्छा अच्छा ओके सर, तो सर प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है आपके वहाँ पे, प्लेसमेंट होता है कि नहीं? प्लेसमेंट होता है, बाकी यहाँ क्या है एमबीए वाले हुए, एमबीए नहीं करते यार। हाँ, उनका ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा ओके सर, तो मेडिकल फैसिलिटी तो उपलब्ध होगी, इतना बड़ा कैंपस है आपका? हाँ कैंपस हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी में, उसमें स्टूडेंट से ले तो फिर ये कार्ड ले जाओ फिर इलाज करते हैं। अच्छा अच्छा, और सर स्पोर्ट्स का क्या है आपके वहाँ पे क्रेज, स्पोर्ट्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ? मान लो पढ़ाई से जाना तो स्पोर्ट्स पे है भाई। अच्छा, अगर जो कोई बंदा अगर स्पोर्ट्स से है ना तो यहाँ से आगे भी निकल सकता है। अच्छा अच्छा बढ़िया। स्पोर्ट्स के लिए हर मतलब हर स्पोर्ट का अलग अलग ग्राउंड है, बास्केटबॉल का अलग है, क्रिकेट का अलग है, वॉलीबॉल का अलग है, और जो वो कर एथलेटिक्स उसका अलग ही है। अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स का बढ़िया है, पढ़ाई से भी ज्यादा है स्पोर्ट्स का। ओके हाँ, बिल्कुल ओके सर, तो जो पॉजिटिव पॉइंट थे वो तो सर अपन ने कवर किया, अधिकतर आपके हिसाब से आपने कोई नेगेटिव पॉइंट नोटिस किया हो? नेगेटिव पॉइंट तो ज्यादा नहीं यार, यही है कि मतलब अपने ज्यादातर तो राजस्थान से जो हिंदी मीडियम आते हैं ना, हाँ हाँ, उनके दिक्कत हो जाती है कहीं वक्त, मतलब वो ईयर ब्रेक लग जाती है, उनका साल भी खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जैसे अगर 2.5 से कम जीपी होगी मतलब उनके फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है वो। अच्छा, 3.5 तक रही तो उसी में रह जाए, मतलब फिर तो कर सकता है वो आगे। अच्छा अच्छा, मतलब ईयर बैग लगा दी जाती है, बाकी ये हिंदी मीडियम वालों के साथ ही होता है, इंग्लिश वाले तो कर लेते हैं। हाँ हाँ बढ़िया सर। सर कोई और पॉइंट हो जो आप मुझे बताना चाहते हो? और तो यार यहाँ बाकी टीचर भी मतलब अलग अलग जगह से, ज्यादातर ही नहीं भाई स्टेट वाले हैं। अच्छा, टीचर सपोर्टिव नहीं है क्या? टीचर सपोर्टिव है भाई। अच्छा, मतलब कोई टीचर जो उनसे बात कर लो तो कोई अगर दिक्कत आ रही हो थोड़ी तो उसका सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। और कॉलेज में मतलब ऐसे 10-10 बच्चों का मतलब एक एक एडवाइजर भी दे रखा है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई दिक्कत हो, पर्सनल भी दिक्कत हो तो एडवाइजर से जाके बोल दो। हाँ, तो मतलब सॉल्यूशन निकाल देगा कुछ। तो ये तो वो क्या एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो सर आप? हाँ बड़ी है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की बढ़िया फैसिलिटी है। अच्छा, लाइब्रेरी की बढ़िया फैसिलिटी है, मतलब सुबह 9 मतलब ये सर्दी में तो 9 बजे खुलती है सुबह 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक। अच्छा, उसके बाद बॉयज के लिए अलग ही NRH जिसे नाइट रीडिंग हॉल बोलते हैं, वो रात में मतलब 4 बजे तक पढ़ो, 5 बजे तक पढ़ो में, शाम को 8 बजे से। अच्छा अच्छा, उसमें ये सिस्टम है, लाइब्रेरी में मतलब खूब जगह है, खूब बैठो, दिन भर जाओ। अच्छा पढ़ो। अच्छा, बढ़िया सुविधा। बढ़िया सर, बढ़िया, आपका बढ़िया है, मतलब एक एक चीज बढ़िया है। हाँ बढ़िया है यहाँ। बढ़िया सर, बढ़िया। और बाकी ज्यादा लैंग्वेज की दिक्कत लिखने में आती है, बाकी बोलने में तो जैसे अपन बोल देते हैं टीचर हिंदी में पढ़ा देता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ समझ लेते हैं यार, वो कुछ नहीं होता है बोलने में, तो लिखने में ही सबसे ज्यादा परेशानी है। हाँ, वो अपन क्या शुरू से हिंदी पढ़ी है। बढ़िया सर, तो आपने पूरी जानकारी दे दी विस्तार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जान लिया, अब आप दूसरा कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो और कौन से सवाल है जो मुझे एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी से पूछने चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो भी अगली वीडियो में पूछने की कोशिश करूंगा। और ICR की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ICR की जो चॉइस लिस्ट है वो अच्छे से बनाई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई यूनिवर्सिटी के साथ, नई जानकारी के साथ। आपने हमारा यह पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।